जय माता दी फ्रेंड्स, आज क्लाइंट आ गए थे तो मैं जल्दी नीचे आ गई, और नीचे आ गई तो आज मैंने थोड़ा सा सलून की अच्छे से सफाई भी कर ली, क्योंकि टेबल कवर वगैरह सब चेंज करने थे। तो आज सलून की थोड़ा सा अच्छे से मैंने सफाई भी कर दी है। तो बस अब मैं फ्री हो गई हूँ। सुबह सुबह आज मैंने किया क्लाइंट का काम, क्योंकि सकरात है तो कुछ लोगों को मायके जाना रहता है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। आज मैं सुबह जल्दी से नीचे चली गई थी और अब 3:45 बज गए। आज मेरा खाना अब बन रहा है 3:45 बजे, क्योंकि क्लाइंट आ रहे थे, कल सकरात है। तो अभी मैं दाल को तड़का लगाऊंगी और रोटी बनेगी मेरी। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं खाना बनाने में बहुत लेट हो जाती हूँ। ये अभी मेरे क्लाइंट का वाइटनिंग फेशियल चल रहा है, और इनको अभी मैंने टोनर लगा के इनको रिलैक्स होने के लिए छोड़ दिया है। और साथ में मैं अपने दूसरे क्लाइंट का स्टार्ट करूँगी हेयर स्पा, और एक क्लाइंट का पेडिक्योर भी चल रहा है। तो ये अभी रिलैक्सिंग मोड पे हैं, और ये इनका मैंने हेयर स्पा कंप्लीट कर लिया है, और ये बहुत खुश हैं अपने हेयर स्पा से, क्योंकि इनके हेयर्स बहुत ज़्यादा फ्रीजी हो रहे थे। चलिए फ्रेंड्स, आज फिर से वक्त हो गया अपने मन की बात करने का। आज मैं थोड़ा सा सलून में बिजी रही तो ज़्यादा वीडियोस नहीं बना पाई हूँ, बट हाँ, अब हम जिक्र करते हैं लोहड़ी का। आप सबको पता है कि मकर संक्रांति से एक दिन पहले लोहड़ी मनाई जाती है, जिस दिन पौष मास ख़त्म होता है। पौष मास के आखिरी दिन लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है, और कहा जाता है कि लोहड़ी की रात सबसे लंबी रात होती है। उसके बाद से मौसम में बदलाव आना शुरू हो जाते हैं, नई फसलें आना शुरू हो जाती हैं। कहा जाता है कि लोहड़ी के बाद से थोड़ा सा गर्म हवाएं चलने लगती हैं, दिन बड़ा हो जाता है, और जो भी नई फसलें आती हैं, किसान अपनी नई फसलों को लोहड़ी में भोग लगाते हैं, और उसके बाद फसलें काटी जाती हैं। तो ये पंजाब और हरियाणा में मनाया जाने वाला सबसे मेन त्यौहार है लोहड़ी, जिसे सभी पंजाबी लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। सिखों और पंजाबियों का ये मेन फेस्टिवल है, इसे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। लोहड़ी के बारे में कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि एक दुल्ला भट्टी था, वो पंजाब प्रांत का सरदार था। उसे एक बार पता चला कि अमीर सौदागरों को लड़कियों को बेचा जा रहा है, तो वो उन लड़कियों को बचाने के लिए गया, और उसने उन अमीर सौदागरों से उन लड़कियों की रक्षा की, क्योंकि वो अमीर सौदागर लड़कियों को ले जाते थे और फिर गलत काम करते थे। तो जैसे ही उसे पता चला कि ऐसा सब कुछ हो रहा है, तो उसने अमीर सौदागरों से सभी लड़कियों की रक्षा की, उन्हें बचाया, और फिर उन लोगों की शादी अच्छे लड़कों से करवाई। तो जिस दिन यह सब हुआ था, उसी दिन लोहड़ी का त्यौहार मनाया गया था। उसी दिन से तभी से कहा जाता है कि ये लोहड़ी के त्यौहार की शुरुआत हुई थी, और फिर जो किसान हैं वो अपनी सारी फसलों का भी लोहड़ी में भोग लगाते हैं, लोहड़ी जलाते हैं, उसमें अपनी फसलें अर्पण करते हैं। और लोहड़ी का मतलब लो का मतलब होता है आग यानी आँच, और ओह का मतलब होता है कंडे जो हम जलाते हैं, और डी का मतलब होता है रेवड़ी। तो इन तीनों से मिलकर बना है लोहड़ी, और लोहड़ी के दिन इसीलिए तिल्ली से बनी हुई चीज़ें, मूंगफली, रेवड़ी और फुल्ले, इन सब चीज़ों का लोहड़ी में भोग लगाया जाता है। लोहड़ी जला के उसके आसपास फेरे लिए जाते हैं। किसी के घर में नई बहू आती है, किसी का पोता होता है, तो उसके घर में बड़ी धूमधाम से पूरे समाज को बुला के लोहड़ी मनाई जाती है, बधाइयाँ बांटी जाती हैं, रेवड़ी और फुल्लियों का प्रसाद दिया जाता है, और लोहड़ी के गीत गाए जाते हैं। एक लोहड़ी का गीत बहुत फेमस है, वो मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहती हूँ। सभी पंजाबी लोगों को पता है, बट हाँ, मेरा यूट्यूब के परिवार में पंजाबियों के अलावा भी काफ़ी सारे लोग हैं, तो मैं उन सब के साथ में शेयर करना चाहती हूँ जो लोहड़ी का गीत है। वो लोहड़ी का गीत है, सुंदर मुंदरिए तेरा कौन बिचारा,
दूल्हा भट्टी वाला। दूल्हा भट्टी वाला इसलिए बोला जाता है कि उस दूल्हे ने, दूल्हा भट्टी जो था उसने सारी लड़कियों को बचाया था, और वो लड़की है सुंदर मुंदरी, उसी के ऊपर ये गाना लोहड़ी पे जब हम लोग लोहड़ी के आसपास फेरे लेते हैं सभी पंजाबी लोग, तो ये वाला गाना गाया जाता है, सुंदर मुंदर ये तेरा कौन बेचारा, दूल्हा भट्टी वाला, दूल्हे दी भाई शेर शक्कर पाई, कुड़ी दे जेबे पाई, कुड़ी दा लाल पटाखा, कुड़ी दा चालू पाटा, सालू कौन समेटे, चाचे चूरी वट्टी, गिन गिन पोले लाए। और फिर बोलते हैं एक पोला रह गया, सिपाही फड़के ले गया। फिर लास्ट में बोलते हैं जितने भी लोग आते हैं वो सब जिनके घर लोहड़ी होती है उनसे बोलते हैं सानू दे लोहड़ी तेरी जीवे जोड़ी, और बहुत सारी आशीषें दे के जाते हैं, बहुत सारी बधाइयां देते हैं जो भी लोग आते हैं लोहड़ी गाने, और लोहड़ी के रूप में उन्हें कुछ ना कुछ मिलता है जब वो लोहड़ी मांगते हैं, तो जिनके घर लोहड़ी होती है वो उन्हें कुछ ना कुछ उपहार देते हैं। उपहार की कोई कीमत नहीं होती, बहुत छोटा सा भी उपहार माना जाता है और बहुत बड़ा भी, तो गिफ्ट की कोई कीमत नहीं होती, वो बधाई के रूप में उन्हें दिया जाता है। तो ये लोहड़ी एक पंजाबी लोगों का बहुत ही, हम कह सकते हैं कि धमाकेदार, धूम मचाने वाला त्योहार है। इसमें गिद्दे पाए जाते हैं, ढोल बजते हैं, और सारे परिवार के लोग, मोहल्ले के लोग सब इकट्ठे होके जब लोहड़ी के आसपास फेरे लेते हैं और ये गाते हैं सुंदर मुंदरिये, तो एक अलग ही माहौल बन जाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए आप और हम मिलके मनाते हैं लोहड़ी का त्योहार, और ये जो नया साल है ये बहुत सारी खुशियां लेके आए सबके लिए, किसानों की फसलें अच्छी हों, किसानों के लिए इस बार लोहड़ी का त्योहार बहुत अच्छा हो, इसी कामना के साथ आपको बताएं, आपको मेरे ब्लॉग को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जल्दी जल्दी मेरा यूट्यूब का परिवार और बड़ा होता चला जाए, यही कामना मैं करती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद।